ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। एक स्टडी आई है जिसमें ये बताया गया है, क्वाइस स्टडी, कि जिन लोगों को नॉन कार्डियक सर्जरी होती है उनमें हार्ट अटैक होने की संभावना 5% होती है। इसके अंदर में 71% जो हार्ट अटैक होते हैं वो 48 घंटे के अंदर अंदर होते हैं, और इसमें 63% जो हार्ट अटैक होते हैं वो साइलेंट होते हैं। तो इसलिए जो लोग हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनको एक या दो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, उन लोगों के अंदर में अगर आपको पेरी ऑपरेटिव सर्जरी करते हैं तो रोजाना ड्रॉप आई और रोजाना ईसीजी होना चाहिए, ये पकड़ने के लिए कि उनको हार्ट अटैक तो नहीं है। अगर उनको हार्ट अटैक है तो उनको आप 48 आवर्स में डिस्चार्ज नहीं कर सकते, जो कि एक नॉर्मल में रूटीन है। उनका हॉस्पिटल स्टे कम से कम 2 से 3 दिन तक बढ़ जाएगा। प्लस इन सब लोगों को हमें एक काउंसलिंग करनी पड़ती है और उनकी कंसेंट लेनी पड़ती है कि पेरी ऑपरेटिव हार्ट अटैक का रिस्क 5% है जिन लोगों के अंदर में जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं। थैंक यू।